तुमने वो उसको फॉलो कर लिया ना नहीं सोचते हुए भी कितनी बात फॉलो हो गया जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं भाई मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को हटाओगे करोगे नहीं भाई सर थैंक यू सर मैम जाओ सर ये वन मोर ठीक है Done? Yeah, done. Go ahead, scope it. Come on. All the best. Mohan, please go ahead. Yeah, thank you. सामने लुक किया आप
And you look here. Yeah. अरुण ने जो काम किया है बहुत ही उस बात की हम सबको बहुत खुशी है, और पूरी स्टोरी सुनने के बाद एक आदमी इतनी मेहनत कर सकता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, ये बात सच हो गई कि आप मेहनत करें और उस रास्ते को फॉलो करें तो आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। अब ये कहाँ से आया है, क्या करता था, वो माने नहीं रखता है, जो इसने किया है वो माने रखता है, और ये सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है। तो सबसे बड़ी बात थी, सलमान को चाहते थे तो इनके पास दो ही रास्ते थे, यहाँ तो एज ए फैंस मिल कोशिश करते रहते मिलने की, लेकिन जो रास्ता इन्होंने अपनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इन्होंने अपने अंदर का कलाकार को जगाया, अब सिंगिंग की कोशिश की, और जो हमने देखा गाना बहुत अच्छा गाया है, बराबर सुर में है ये, और ये जो रास्ता है इसमें इज्जत भी है, और खुशी से इज्जत को साथ जब सलमान जी से मिलेंगे उनको भी खुशी होगी कि उनका चाहने वाला किस कदर उनके लिए एक गायक बना या एक कलाकार बना। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है, तो मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूंगा कि
आपने सही रास्ता चुना है। काम कोई भी करिए लेकिन एक रास्ता आपने दिया है, रब ने आपके लिए खोला है इस दरवाजे को, इसमें जरूर मेहनत करते रहिए, जरूर आपको फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो अलमारी में जो तस्वीरें थी उसमें धर्म जी की तस्वीर सबसे ऊपर थी, और राजेश खन्ना साहब को छोटी मोटी चीज नहीं हूँ मैं, बड़े बड़े लोगों का फैन रहा हूँ, जीतू जी की, राजेश खन्ना साहब, राजेंद्र कुमार, इन सब की तस्वीरें मेरी अलमारी में रहती थी। मुझे लगता है आप कोई भी काम करो, कोई भी रास्ता चुनो, वहाँ आइडल है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। हो सकता है आपके घर में हो, अगर आप फादर का बिजनेस करते हो तो आप अपने फादर की अचीवमेंट को पसंद करते हो, तो हम लोग जिस लाइन में आए हैं वहाँ तो वैसे ही लोग मिलेंगे, जिस तरह इन्हें सलमान मिला, हमारे हमें धर्म जी दिखते थे उस तरह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस हिम। तो हाँ, मैंने जैसे सलमान खान के फैंस तो बहुत देखे हैं, पागल फैंस भी देखे हैं, और सलमान खान जहाँ भी बोलते हैं ना खड़े हो जाते हैं, वहाँ भीड़ पागल हो जाती है, लेकिन ये फ़ैन एक अलग फ़ैन है, और ये खुद एक कलाकार है। मुझे तो लगता है ये सलमान के मिलने के चक्कर में एक इसमें से अच्छा संगीतकार एक कलाकार उभर के आ सकता है, और आजकल ज़रूरी अच्छे लुक्स ही होने चाहिए, इनकी जो अलग ये जो टैलेंट है लिखने का, म्यूज़िक देने का और गाने का, मुझे लगता है इसी बहाने इंडस्ट्री को एक नया सिंगर भी मिल जाएगा। और उनका जो पहला सपना है सलमान खान से मिलने का, उसके लिए मैं खुद प्रे करूंगा कि सलमान खान इनसे ज़रूर जल्दी मिले, ताकि इनकी जो कला है इनमें इनका जो दिल भटक रहा है या वो शांत हो जाए, तो और बस गॉड ब्लेस हिम। सुनील जी, एज अ जज, वेरी फ्रैंक, आपने उनको सुना, व्हाट हैव यू टू से, लाइक सिंगिंग या कितना भी, और जैसे मैंने कहा ना, ये गाना बहुत साफ सुथरा, जो एक स्वच्छ क्लीन गाना, अच्छे लिरिक्स, अच्छी सिंगिंग, सुर में सिंगिंग, और बहुत अच्छा ट्रैक बना है। अगर मैं अगर अकेला भी अगर गाड़ी में, नॉर्मली मेरा जो इमेज है शावा शावा सोना सोना, जो स्टेज पे धमक धमक, उससे हटके मैं जब गाड़ी में अकेला होता हूँ या रात को सोता हूँ तो रफ़ी साहब के या किशोर दा के सैड सॉन्ग सुनता हूँ, तो ये मेरी पसंद है। तो ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही क्लीन गाना, बहुत अच्छा सुकून देने वाला गाना है ये। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर सुधीर जी, मुकेश जी, संतोष जी, काफ़ी लोग आपको आए और अपना बेस्ट विशेस दिए, व्हाट हैव यू टू से, कुछ अपने गाने के बारे में, एल्बम के बारे में जानना। अभी मेरे पास सर शब्द ही नहीं, मैं क्या कहूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल मेरा काफ़ी धक धक होने लगा है, अभी कुछ जुबान नहीं चल रही सर मेरी, अभी बस इतना ही कहूँगा। चलो कम से कम इतना तो कह दो, चलो आप हम सब मिलके आपकी तरफ से ना सलमान भाई को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। चलिए भाई, अरुण साहब की इस तरफ से, इनकी तरफ से, हमारी सब की तरफ से सलमान भाई आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।